जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, एकादशी के दिन जब भी व्रत रखा जाता है तो व्रत रखते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको व्रत का संकल्प कैसे लेना है। अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, आप जाप अनुष्ठान करते हैं, अगर व्रत में संकल्प ले लिया या उस जाप संकल्प में अनुष्ठान में किसी भी व्रत में आपने संकल्प ले लिया तो व्रत अधूरा माना जाता है। बिना संकल्प के व्रत पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप व्रत का शुरुआत करने से पहले आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जैसे हम एकादशी के व्रत की संकल्प की विधि बता रहे हैं, इसी संकल्प विधि से आप किसी भी व्रत को कर सकते हैं। आपको करना यह है, जैसे स्नान करके घर के मंदिर में बैठ गए हैं, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है और बैठ करके आपको पहले आचमन कर लेना है। सीधे हाथ में जैसे थोड़ा थोड़ा जल चम्मच से 3 बार गिरा करके ओम केशवाय नमः माधवाय नारायणाय नमः कहकर के पी लेना है। फिर हाथ में जल लेकर के साथ में धो लेना है। फिर जल के छींटे अपने ऊपर मारें, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पीवाय स्मृत पुंडलिकाक्षम सावायभ्यंतरा शुचिः। आप जो इस प्रकार से जल के छींटे मारें, थोड़ा सा जल एक बूंद धरती पर गिराएं, माता पृथ्वी को नमस्कार करें, इसके बाद में हाथ में सीधे हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प करना है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम अदितस्य ब्राह्मणो द्वितीय पराने श्री श्वेत वाराय कल्पे जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते अमुक क्षेत्रे। जिस यहाँ पर भारतवर्ष भारत क्षेत्र अमुक क्षेत्र अपने घर का पता बोले, अमुक माह से जिस महीने में, जैसे एकादशी निर्जला है तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की है, जिस भी एकादशी का रख रहे हैं उस या कोई और व्रत कर रहे हैं तो उस महीने को बोले, महीना कौन सा है, अमुक माह से अमुक पक्ष कौन सा है, अमुक तिथो कौन सी तिथि का व्रत कर रहे हैं, कौन सी तिथि है, अमुक्याम बाशरे बाद बोलें, उसके बाद में अमुक नाम ने अपना नाम उच्चारण करें, अमुक गोत्र पन्ने अपना गोत्र उच्चारण करें, अमुक कामना सिद्ध्यते किस कामना से कर रहे हैं, जैसे एकादशी का कर रहे हैं आत धर्म काम मोक्ष प्राप्ति हेतु एकादशी व्रतम संकल्पम करिष्ये। इस प्रकार से आपको संकल्प बोल करके वो जल भगवान के आगे छोड़ देना है। और जब व्रत पूर्ण हो जाता है दूसरे दिन, तब भी हाथ में जले के इस संकल्प को बोल करके फिर कहना है कि जैसे आपने यहां पर बोला कि व्रतम करिष्ये, फिर वहां बोलना है कि व्रतम फलम इष्ट देव प्रति समर्पण करिष्ये, कि जो व्रत का फल है मैं प्रभु को समर्पण कर रहा हूं, जिससे प्रभु के पास उस फल को समर्पण करने पर फिर उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं या एकादशी का व्रत करते हैं तो इस प्रकार से संकल्प अवश्य लें। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जय श्री कृष्णा।